रात्रि क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968। और दूसरे पेज के आदि में तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी दिव्य गुण धारण करने की। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, कितना देह बहन आ जाता है। तो है सिर्फ देही अभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। अरे भाई कहता कौन है आत्माभिमानी भव है? साकार निराकार का मेल कहता है, या जो सदा निराकारी निराकार है वो कहता है? आत्माभिमानी भव वही कहता है जो कभी देहभान में नहीं आता, सदा आत्मा है, सुप्रीम सोल। तो बाप कहते हैं है, तो दो बाप, कौन बाप कहते हैं है? वही बाप जो सदा आत्माभिमानी है वो ही कहते हैं। कहते कैसे हैं? वो तो आत्माभिमानी है, आप भी किस स्टेज में है, बिना शरीर के कैसे कहेंगे? शरीर में ही मुख होता है। तो बस समझ लेना चाहिए कि वो जो सदा निराकार है, सदा शिव है, वो बाप जब तक मनुष्य सृष्टि के बाप में ना आवे, जो आत्माभिमानी भी बनता है इस सृष्टि में सबसे पहले, और सबसे पहले देहाभिमानी भी बनता है। एक्सट्रीम में नहीं जाता है। तो बस उसमें प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल बाप जो सदा आत्माभिमानी है वो बाप कहते हैं। तो बाप से ही ये वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा लेना है? ये माने कौन सा वर्षा है? एक अक्षर में बताओ। लक्ष्मी नारायण का वर्षा। अच्छा हाँ, तो दो हैं लक्ष्मी। हाँ, ज्ञान का वर्षा। ये वर्षा माने ज्ञान देने वाला कौन है? जो देह अभिमानी बनता है, या जो आत्मा अभिमानी सदा रहता है, वो है ज्ञान का वर्षा देने वाला। तो ये वर्षा लेना है, ज्ञान का वर्षा लेना है। और ज्ञान किससे आता है? है? दोनों भेद के बाप से आता है कि एक से आता है? किससे आता है? एक से आता है। अच्छा, वो एक कैसे ज्ञान देगा? तो फिर दो हो गए ना, एक ही है। क्यों? वो जब एक है जो अविनाशी है आत्मा, वो जब तक प्रवेश न करे तब तक कोई युक्ति बता ही सकेगा ज्ञान की? तो तुम्हारा कारगर है कि बेकार है? तुम्हारे लिए तो बेकार है, फिर कारगर किसके लिए? कारगर उसके लिए है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आखिरी जा करके बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल बाप सदाशिव से ज्ञान का वर्षा लेता है। वो एक ही है जो ज्ञान का वर्षा पूरा लेता है। तो कब लेगा?
देवान में रहेगा, अपन को देह समझेगा तो वर्षा लेगा, देह अहंकार में रहेगा है? कौन से अहंकार? देह गंध कर पैदा करने वाली है कि आत्मा गंध पैदा करने वाली है? तो जो देह अभिमानी वो तो वर्षा ले नहीं सकता है। तो बताया पहले आत्मा अभिमानी बनना पड़े, फिर परमात्मा अभिमानी, फिर उससे भी ऊपर परम पिता की याद आएगी। बाप को याद करेंगे, कौन से बाप को याद करेंगे? करेंगे माना बहुत की बात है कि एक की बात है? हाँ, ये नहीं कहा बाप को याद करेगा, करेंगे माना तुम बच्चे बहुत है ना, तो बाप को याद करेंगे। तो कौन से बाप को याद करेंगे? एक बेहद के बाप को कि दोनों को याद करेंगे? एक को याद करेंगे, बिंदी को याद करेंगे कि देहाभिमानी बाप को याद करेंगे? दोनों को याद करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, आत्मा जो सदा आत्मा है और जो सदा आत्मा नहीं रहता है, प्रबुद्ध बन के नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा जो एक्सट्रीम आत्मा है सदा आत्मा की स्थिति में रहने वाली, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे बुद्धिमानों की बुद्धि कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जिन बच्चों से बोला कि उस बाप को याद करेंगे जिसमें साकार और निराकार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कब होता है? और किसी युग में नहीं होता है, वो तो सिर्फ कलयुग के अंत होना होता है और सतयुग का आदि होना होता है, उसी सेकंड में होता है। तो कब होता है? कब होता है वो प्रत्यक्ष? बच्चों के सामने, ढेर सारे बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। 16 है, कब प्रत्यक्ष होता है वो? सेकंड कब आता है? जब वो निराकार बाप पहले गुप्त पार्ट बजाता है, जैसे आत्मा पहले गर्भ में गुप्त पार्ट बजाती है। 1977 में प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, सबको पता लग जाता है कि ये साकारी और ये निराकारी है? अच्छा, कुछ बच्चों को पता लगता है? सबको तो तभी पता लगेगा, सभी पक्का निश्चय बैठेगा, जब कोई भी बिल्कुल अनिश्चय बुद्धि न बने। नहीं तो होता क्या है, आदि से लेकर के अंत तक निश्चय अनिश्चय निश्चय अनिश्चय जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, सबको चलता रहता है। कि कोई ऐसा भी है जिसको पहले निश्चय निश्चय जन्म मरण का चक्र खलास हो जाता है? तो वो एक ही है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो पूछा कौन से बाप को याद करेंगे हैं? तुम जो ढेर के ढेर बच्चे हैं, आत्मा रूपी बच्चे, क्योंकि बाप तो सुप्रीम सोल तो आत्माओं को ही देखते हैं ना, तो तुम उस बाप को याद करेंगे जो साकार निराकार का मेल है। माना दो ही आत्माएं हैं इस षष्ठ रूपी वृक्ष में, एक है सदा निराकार और एक सदा निराकार नहीं है, आखिरी कुछ न कुछ है संपूर्ण भोगी बन जाती है, हैं? भोगी बनती है कि नहीं? तो एक हुई भोक्ता एवरलास्टिंग और एक हुई एवरलास्टिंग अभोक्ता। तो तुम बच्चों को उस एक बाप को याद करना है, उसको याद करेंगे तभी तो ये कचरा निकलेगा। किसको याद करेंगे?
जो साकार निराकार का मेल है उसको याद करेंगे तभी कर चकचड़ा निकलेगा। अच्छा, तो ये तो बहुतों की बात हो गई, बहुत आत्मा रूपी बच्चे हैं उनकी बात हो गई जो भोगी हैं, लेकिन जो एक ऐसा बाप है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का, जो भोगी तो है लेकिन अंत में जाकर के संपूर्ण भोगी बनता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, कलयुग का जब आदि होता है, आखिरी युग कौन सा है? कलयुग। तो कलयुग का जब आदि होता है तो हर युग में भी चार अवस्थाएं, क्योंकि सारी सृष्टि में हर चीज में चार अवस्थाएं ही तो है। तो कलयुग का जब आदि होता है तो सात्विक कलयुग जब होता है तो उसमें वो स्टेज नहीं आती है गिरने की, और जैसे ही राजसी स्टेज आती है, रजोगुण उत्पन्न होता है, ऐसे ही वो पतित बन पड़ता है। कौन सी आत्मा हो सकती है? वही एक आत्मा होती है जो राजयोग से है विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करती है। क्या नाम है उसका? है नाम बताओ शरीर का। बाप तो ढेर है, लौकिक में भी है, अलौकिक में भी है, पारलौकिक में भी है। हैं? लिख के बताओ, एक अक्षर है इसे सुनाई नहीं पड़ता। कौन है प्रजापिता? तो दुनिया जानती ही नहीं, दुनिया तो शास्त्रों का नाम जानती है, प्रजापति। शास्त्रों में कहीं प्रजापिता लिखा है? नहीं लिखा। हाँ, वो भी मुसलमानों के शास्त्रों में है, आदम, पहला आदमी। हिस्ट्री की बात बताओ, ऐसे देहधारी व्यक्ति की बात। हाँ, शिव बाबा जी है। जब ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद, तब बुद्धि में आता है शिव बाबा। पृथ्वीराज, वो भारत है जिसका नाम भारत है, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदा ज्ञान की रोशनी में लगी रहने वाली एक ही आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो कलयुग में जब कलयुग रजो प्रधान बनता है, शुरुआत होती है रजो प्रधान बनने की, तो फिर हार खा जाता है कि नहीं? हार खा जाता है, नहीं तो वो सदा विश्व विजयी रहा, या कोई उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सका? कोई नहीं प्राप्त कर सका। तो ये जो हार खिलाने वाला कचड़ा है, क्या विकार? विकार कैसे पैदा होते हैं? देह की सुंदरता से विकार पैदा हो जाते हैं। तो बताया, ये कचरा निकलेगा देह बहन का, निकलेगा ना? अच्छा, तो समझ गए हैं बच्चे कि पांच विकारों का जो कचड़ा है वो देहभान है, है? और सभी बच्चे समझ गए हैं। सभी माने कितने? सभी माने कितने? हैं? साढ़े चार लाख, क्योंकि शिव बाप तो आत्मिक रूप में बच्चे जो बनते हैं, आत्मिक स्टेज धारण करते हैं, बाप की वाणी सुन करके समझ करके, तो वो तो सिर्फ होते नहीं है। तो सिर्फ बच्चों को याद नहीं रहता है क्या? किस देवान को छोड़ना है? क्या याद नहीं रहता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो छोड़ना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि देह अहंकार को छोड़ना है, बना आत्मिक स्टेज में आना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसका मतलब घड़ी घड़ी देह में लगाव लगाया होगा ना, है? कुछ न कुछ तो लगाया होगा। कितने जन्म? है 63 जन्म। अच्छा, जो पहला जन्म होता है सतयुग में,
तो वहां आंखों में लगाव नहीं लगता है, तो देह का अंग नहीं है, तो कितने जन्म लगाव लगा? सूक्ष्म इंद्रिय है? हाँ, 84 जन्म का लगाव लगा हुआ है, तो बच्चों को याद नहीं रहता है। और जो नंबर 12 आत्मिक स्टेज में स्थिर होते हैं 4.5 लाख, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बेहद के बाप के जो सुप्रीम सोल है उसके रहते रहते, तो वो तो सिर्फ 4.5 लाख है, उनमें भी नंबर 12, तो बच्चों को याद नहीं रहता है। किसने बोला बच्चों को याद नहीं रहता है? ये बोला किसने है? सुप्रीम सोल बेहद के बाप ने बोला या मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला है? जो सुप्रीम सोल बाप है वो साकार शरीर में आकर के बोलता है, बोलने वाली आत्मा है, न कि शरीर देहधारी प्रजापिता है, जिसका नाम प्रजापिता पड़ता है उसका नाम है, है? तो प्रजापिता शब्द तो शास्त्रों में ही नहीं आया, वो जानते ही नहीं है कि पहले पिता होता है बाद में पति बनता है, तो घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, तभी बाप कहते हैं क्या कि ये जो दुनिया है ये भूल भुलैया का खेल है, है? भूल भुलैया की यादगार कहाँ है? है पता है नहीं पता है? अरे बताओ, जिसको पता है सो ले बताओ, है? भूल भुलैया की यादगार लखनऊ है। लखनऊ, लख माने देखना है और नऊ माने नई, जो नई नई नया नया देखने में आता है, है? तो तुम बच्चों को नया नया कौन देखने में आता है? पहले बाप देखने में आता है कि अम्मा देखने में आती है? आखरीन कहां बुद्धि चिपक जाती है तुम ढेर के ढेर बच्चों की, है? अरे अम्मा में चिपक जाती है, है? बुद्धि रूपी आत्मा के देहधारी में चिपक जाती है, जो अपने देह भान को छोड़ ही नहीं पाती है। सभी बच्चे जो भी अपने देह भान को नहीं छोड़ पाते हैं ढेर के ढेर हैं, है? तादाद भल बता दी, तो वो बीज रूप आत्मा है जो नहीं छोड़ पाती है देह भान को, वो आखिरी इन माता में ही जाकर के चिपक जाती है। एक ही आत्मा ऐसी है जो जब पुरुषार्थ संपूर्ण होता है सुप्रीम सोल बाप की याद का, तो फिर पूरा देह भान से छूट जाती है कि चिपकी रहती है, लगाव लगा रहता है, है? कि अटैचमेंट खलास हो जाता है, खलास हो जाता है, कोई देहधारी से लगाव नहीं, भूल भुलैया का खेल है। है तो सब देहधारी 4.5 लाख के अलावा, लेकिन उनमें भी कोई अव्वल नंबर है, है? धरणी है, जरूर सार रूप में होगी, तो हो इस दुनिया का सार रूप धरणी का नाम क्या है पता है? जगदम्बा? नहीं, जगदम्बा में तो बहुत पहले ही देह भान आ जाता है। हाँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी भी तो बाद में दे, वो क्या नाम, आत्माभिमानी बनती है। हाँ, वो परम ब्रह्म का रूप पहले कौन बनता है? नहीं, सारी दुनिया जितनी भी धरणी है उस धरणी का सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है वाराणसी, काशी। तो वो काशी जो है, इसीलिए बताया शास्त्रों में कि जो प्रजापिता वाली सोल है मनुष्य सृष्टि का बाप,
उसकी प्रिय धरणी कौन सी है? काशी। काशी शास्त्रों में नाम और दूसरा क्या दिया है? है शास्त्रों में नाम दिया है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकालते हैं तो उसमें तीन मूर्तियां दिखाते हैं। कौन सी मूर्ति है? सुभद्रा। भद्र माने कल्याणकारी, सुभद्रा माने वो आत्मिक स्टेज धारण करने वाली है, उनमें सुंदर कल्याणकारी। तो वो आत्मा उस भूल भुलैया के खेल में पहले पहले उस स्टेज में आती है। आती है तो भी भूल भुलैया का खेल लगता है, उसको असर करता है या नहीं करता है? नहीं करता। अच्छा बताया कि जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनमें एक को छोड़ करके बाकी सब महाकाली के चक्करी में आ जाते हैं। क्या एक भी साकारी सो निराकारी बाप को अंत तक जो परीक्षाएं होनी है ऊंचे ती ऊंची जिन परीक्षाओं में परीक्षाओं के पहाड़ दुखों के गिरने हैं तो उनमें फेल हो जाती है। तो वो भी आत्मा उसमें फेल हो जाती है। एक ही है जिसके लिए बोला है कि बाप भारत पर फिदा होकर के आया है। भारत माने जो ज्ञान की रोशनी में भले द्वैतवादी द्वापर युग इस सृष्टि पर उदय होता है तो भी है तो भी आत्मिक स्टेज में रहता है या भूल जाता है द्वापर की आदि रहता है। तो ये भूल भुलैया का खेल है। क्या देहभान। और जबकि बाप आया हुआ है, आया हुआ है माने इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो कहेंगे आया हुआ है। प्रत्यक्ष होता है तो साकारी रूप में प्रत्यक्ष होता है कि सिर्फ निराकारी रूप में? हाँ वो निराकार बाप जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है वो साकार देह अभिमानी जो इस सृष्टि पर एवरलास्टिंग देह अभिमानी है उसमें जिसका देहबान पूरा खलास नहीं होता, देह खत्म होती है उसकी नहीं खत्म होती, उस बाप में आया हुआ है तो कहा जाता है साकारी सो निराकारी। उसमें आया हुआ है तो और बच्चों को मालूम पड़ गया है, जब वो प्रत्यक्ष होता है सच्ची रूपी रंगमंच पर है, जैसे आत्मा गर्भ में से प्रत्यक्ष होती है बाद में पहले गुप्त पार्ट बजाती है, तो सुप्रीम सोल भी तो आत्मा है या नहीं है? हाँ तो पहले गुप्त पार्ट बजाती फिर प्रत्यक्ष होती है। तो बच्चों को मालूम पड़ गया, अभी पता चला है बच्चों को, जो ढेर के ढेर बच्चे हैं उनको कब मालूम पड़ता है? टोटल तो तब मालूम पड़ता है जब इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है वो संपन्न स्टेज को प्राप्त करे। आत्मा जो बौद्धिक शक्ति को प्राप्त करने वाली है, ऊंचे ती ऊंची शक्ति है बुद्धि, उस स्टेज में भी कहेंगे कि बाबा आया हुआ है, शिव आया हुआ है, ये नहीं कहा। क्या कहा? बाबा आया हुआ है माने सिर्फ निराकार नहीं आया हुआ है, निराकारी सो साकारी आया हुआ है, बेहद का बाप आया हुआ है। एक बाप तो नहीं कहेंगे, बेहद का बाप आया हुआ है, आ गया है कि बुद्धि में मालूम पड़ जाता है। तो ये समझना चाहिए कि बाबा से बेहद का ये वर्षा मिलेगा है? जो साकार निराकार का मेल है उससे ये वर्षा मिलेगा। और फिर किसको समझना चाहिए है कि जो निराकारी बाप है, सिर्फ निराकार आत्माओं का बाप है, तो
प्रजापिता किससे वर्षा लेता है? पहले पहले एक शिव बाबा से प्रजापिता वर्षा लेता है, बाबा से साकार निराकार के मेल से। कैसे? हाँ, निराकार बाप जो सदा निराकार है वो उसके साकारी शरीर में पहले पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य षष्ठी में पहले पहला जो मनुष्य आदम है उसमें प्रवेश करता है। लेकिन प्रवेश करता है तो पता चलता है, है? नहीं पता चलता। पता तो तब चलेगा जब साकार निराकार का मेल होगा, सारी सृष्टि को पता चलेगा। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको पता चलता है? चलता है। हाँ, 1936 में उसे पता चला कि मेरे अंदर सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया है। नहीं पता चला। कब पता चलता है? तब पता चलता है जो लिंग रूप में नहीं जन्म लेते हैं। क्या लिंग है? वो पुरुष की यादगार है। तो स्त्री चोले में जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उन स्त्री चोले में जन्म लेने वाली आत्माओं के संगठित रूप जब चतुर्मुखी ब्रह्मा की प्रत्यक्षता होती है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, कब होती है? 1976 में। चारों मुखों जब संगठित तो हो जाते हैं तो उनमें कोई पहले संगठित तो होते होंगे ना, है? वही जो त्रिमूर्ति में जिनको फाइनल किया जाता है। तीन मूर्तियों में तुम बच्चों ने समझ लिया कौन सी तीन आत्मा है षष्ठी रूपी जंगमंच की भोगी आत्मा है, है? एक जगदम्बा और एक आदि लक्ष्मी, और आदि लक्ष्मी का भी लक्ष्मीपति उससे वर्षा मिलेगा तुम बच्चों को। और क्या मिलेगा? तुम बच्चों में भी जो पहला नंबर बच्चा है उसको ज्ञान का वर्षा मिलेगा। ज्ञान तो सभी लेंगे, बिना ज्ञान के तो किसी की सदगति होगी ही नहीं। नहीं, उससे मिलेगा जो सुप्रीम सोल बाप है, जो कभी देवान में नहीं आता, वो अखूट ज्ञान का भंडारी है। वो अखूट ज्ञान का भंडार उस बाप को मिलेगा जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, पहला पहला आदमी, जिसको निश्चय है वो पुरुषार्थ करता है। तो पहले पहले निश्चय किसको बैठता है? भोगी आत्माओं के बीच में है, प्रजापिता को। हाँ, तो पुरुषार्थ करने वालों में भी नंबर वार है। तो जो अब्बल नंबर आया हुआ है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है, है? भाई रथ में आया हुआ है, है? रथ में आया हुआ है तो रथ तो शरीर का जो रथ कहा जाता है वो तो षष्ठी पर सदा हाजिर रहता है। लेकिन उस रथ में आया हुआ है जो षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला पहला रथ, और बरोबर गाया भी जाता है कि भाई ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा का ही रथ गाया हुआ है। वो ब्रह्मा कौन सा है, है? जो आखिरी सबको पता चलता है कि वो ब्रह्मा कौन है, है? परम ब्रह्म। क्योंकि जो चार मुखों को संगठित करने वाला है, है, वो तो फिर भी अधूरा है। लेकिन जो पंचमुखी ब्रह्मा है, पंचानन कहा जाता है, वो अम्मा भी है तो बप्पा भी है। मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है।
शांति।